हेलो एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों मेरेवेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ सो so आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और देखो ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है फॉर बी एड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलजा टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के लिए इस महीने के एंड से मतलब ये शुरू हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया अब भी एनरोल कर लो और ऑफिशियल ग्रुप में एड हो जाओ इसमें कुछ भी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप सबको बता दूंगा सो उस ग्रुप में एड होने के लिए आपको मंथली फ़ीस एडवांस टू हंड्रेड रुपीज़ पे करना होगा और जिस दिन से क्लास शुरू होगा उसी दिन से आपका जो एडवांस अभी पे करोगे वही काउंट होगा सो so, पे करने के लिए टू हंड्रेड रुपीज़ थ्रू यू पी आई यानी फोनपे जी पे जीपे या पे टी एम से नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री इस नंबर पे पे करके इसका स्क्रीन शॉट मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ सो so, शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर वन एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एन्श्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम एज ए टीचर अगर आप टीचर हो जाओगे सो so, क्या करोगे ऐसे बेस्ट ऑप्शन क्या करोगे आपका इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम में कैसे होना चाहिए ऑप्शन ए यूज ऑफ पी आर कमांड ऑप्शन बी यानी नंबर टू मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट नंबर थ्री अडाप्टेशन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर या बींग ऑथोरिटेरियन सो इसका जो राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन थ्री यानी अडोप्टेशन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर ये याद रखना क्वेश्चन नंबर टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन टर्म्स ऑफ जो टीचिंग का कह सकते हैं इफेक्टिवनेस वो किससे जज करते हैं कोर्स कवरेज या स्टूडेंट इंटरेस्ट या लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट या यूज़ ऑफ टीचिंग एड इन द क्लासरूम सो so इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री यानी लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री देखो इन टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टीमेल एंड प्रोएक्टिव कौन से टीचिंग मेथड पे कह सकते हैं लर्नर्स जो पार्टिसिपेशन है ऑप्टीमेल ज़्यादा या कह सकते हैं प्रोएक्टिव ऑप्शन ए डिस्कशन मेथड नंबर टू या ऑप्शन बी कह सकते हैं बज सेशन मेथड नंबर थ्री ब्रेन सेशन मेथड या ऑप्शन डी यानी ऑप्शन फोर प्रोजेक्ट मेथड कौन सा राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर यानी प्रोजेक्ट मेथड क्वेश्चन नंबर फोर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू जो मोस्ट पावरफुल फैक्टर होता है इफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस सो रिलेटेड टू नंबर वन सोशल सिस्टम ऑफ़ द कंट्री या नंबर टू इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी या नंबर थ्री प्रीवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम या नंबर फोर एडुकेशनल सिस्टम इसका जो राइट आंसर होगा बॉय नंबर फोर यानी एडुकेशनल सिस्टम ये याद रखना क्वेश्चन नंबर फाइव हुच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियरल इन एफेक्टिव टीचिंग एफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियरल क्या चीज़ है नंबर वन यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन नंबर टू स्ट्रक्चरिंग नंबर थ्री इंस्ट्रक्शनल वेराइटी या नंबर फोर क्वेश्चनिंग सो राइट आंसर होगा नंबर थ्री यानी इंस्ट्रक्शनल वेराइटी ये याद रखना और आजकल लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एम सी क्यू यानी मल्टीपुल चॉइस टाइप क्वेश्चन नंबर वन दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन या नंबर टू दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन या नंबर थ्री दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या नंबर फोर दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन सो आप लोग थोड़ा सा चिंता करो इससे मतलब आपका आप खुद ही मतलब आंसर निकाल सकते हो सो so, कौन सा राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर वन यानी दे आर मोर ऑब्जेक्टिव यह ऑब्जेक्टिव रहता है दैन ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हम लोग क्लास शुरू कर देंगे जल्दी और आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर अकेडमी इससे आपका हंड्रेड परसेंट कह सकते हैं इस बार होगा लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट आप खबर ले सकते हैं जिन्होंने मतलब मेरे से क्लास किया उनका मतलब कह सकते हैं बहुत गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज में हुआ है सो so, आशा करते हैं आप लोगों का भी हो जाएगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा आप सबको सो थैंक यू सो मच